चैनल। सो आपने थंबनेल देख के अंदाजा तो लगा ही लिया होगा। एंड ये मेरे हाथ में है कैंडल्स, इसको देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा कि आज मैं कौन सा गेम करने वाली हूँ। सो आज मैं फिर से आ गई हूँ लेके एक हॉरर चैलेंज जिसका नाम है ब्लडी मैरी चैलेंज, जो कि 100% रियल है। ये बिल्कुल रियल माना जाता है 100%। एंड आज मैं इसका रियलिटी टेस्ट करूंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। एंड यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस इसके बारे में बनी हुई हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी फेक चीज़ें हैं। सो आज मैं रियलिटी टेस्ट करूंगी। इसको मैं फिर से जला दूंगी जब मुझे चैलेंज करना होगा। सो ये है कि ये चैलेंज मुझे किसी ने दिया है, मैं आपको यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूंगी मुझे ये चैलेंज किसने दिया है। ब्लडी मैरी का चैलेंज शायद आप लोगों ने देखा होगा, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये चैलेंज किया है। बट आज मैं रियलिटी फैक्ट चेक करूंगी कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। भगवान से प्रे करो कि ब्लडी मैरी मुझे ना ही दिखे। सो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्लडी मैरी की स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्योंकि स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। सो चलते हैं, पहले स्टोरी जान लेते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है एंड इसके पीछे का राज क्या है। ये मतलब इतना हॉन्टेड क्यों है, इसको इतना हॉन्टेड क्यों माना जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सो चलते हैं, पहले आपको सबसे पहले स्टोरी बता दूंगी मैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, फिर आगे मैं इस गेम को कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस, ये कहानी कुछ इस टाइप की है कि बहुत साल पहले एक मैरी नाम की लड़की हुआ करती थी, जो कि मरने के बाद उनका नाम ब्लडी मैरी पड़ गया, जिसको हम सब जानते हैं। सो उनका कहना ये था कि मतलब वो हमेशा जवान रहना चाहती थी, हमेशा खूबसूरत रहना चाहती थी, इसलिए वो मतलब इंसानों के खून से नहाती थी। यस गाइस, वो इंसानों के खून से नहाती थी ताकि वो हमेशा मतलब जवान रह सकें। एंड देन उनकी मैरिज हो जाती है एंड मैरिज के बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं। सो वो बहुत हैप्पी होती हैं कि मतलब मेरा बेबी होगा। एंड क्योंकि वो इंग्लैंड की रानी भी रहती हैं, तो उनको उनका उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा, इसलिए वो बहुत हैप्पी रहती हैं। बट 9 मंथ के बाद जब वो जाती हैं अपनी डिलीवरी के लिए, तो वहाँ पे जाके आपको भरोसा नहीं होगा वहाँ पे जाके होता क्या है। वहाँ पे जाके ये होता है कि मतलब वो 9 मंथ से प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, लेकिन उनके पेट में कोई बेबी था ही नहीं। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स उस टाइम पे, तो डॉक्टर शायद वैद्य हुआ करते होंगे, जो भी हुआ करते होंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके पेट में तो कोई बेबी है ही नहीं। फिर इसके बाद उनको ये लगा कि मतलब वो जिस शैतान की पूजा करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सो उनके बेबीज को वही शैतान बलि के तौर पे ले रहा था, कि मतलब उनका बेबीज बलि अपने आप ही चढ़े जा रहे थे। तो उनके साथ एक बार नहीं, हमेशा ही उनके साथ होता था, जब भी वो प्रेग्नेंट होती थी उनका बेबी मतलब पैदा होने से पहले ही बलि चढ़ जाता था। एंड ये मतलब काफ़ी बार हुआ, तो ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई एंड उनकी डेथ हो गई। एंड डेथ के बाद ही मतलब उनको सबने श्रापित साबित कर दिया कि मतलब ये ब्लड से नहाती थी एंड इसी कारण इनका बेबी, इनके बेबीज नहीं हुए, इसलिए उनको ये श्रापित साबित कर दिया गया। सो ये चैलेंज जो है, ये चैलेंज हम 3 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप ये, हमें रात को तीन बजे आईने के सामने मोमबत्तियाँ लेके खड़े होके 3 बार ये कहना है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। सो ब्लडी मैरी 3 बार कहने पे वो दिख जाएंगी। अगर फिर भी नहीं होता है, कुछ भगवान से, गॉड से आप प्रे करो कि मुझे ब्लडी मैरी ना ही दिखें, क्योंकि मैं बहुत बड़ी लेवल की फट्टू हूँ। मुझे कैमरे के सामने नहीं बोला जा रहा, पूरी लाइट्स बंद करके मोमबत्ती लेके मैं कांच के सामने कैसे बोल पाऊंगी, मैं तो यही सोच रही हूँ। एंड सेकेंड स्टेप जो है, आपको ये करना है कि ब्लडी मैरी अगर आपको 3 बार बोलने पे नहीं दिखती है या कुछ नहीं होता आपके साथ, तो आपको 13 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी करना है। 13 बार इसलिए कि 13 बार जो होता है अनलकी नंबर होता है, तो 13 बार पे हो सकता है 13 बार में कि आपको डेफिनेटली दिख जाए। अगर आपको फिर भी नहीं दिखती है, तो सेकेंड स्टेज ये है कि आपको बोलना है, ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी। इसका मतलब ये है कि ब्लडी मैरी, मैंने आपका बच्चा चुराया है। सो जब आप ये बोलोगे कांच के सामने खड़े होके, तो उनको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है।
एंड काफी सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, सब कहते हैं कि आप नेट पे भी जाकर सर्च कर सकते हो ब्लडी मैरी की कहानी स्टोरी वगैरह। सो उसमें ये कहा गया है कि मतलब कोई मतलब औरत कांच में दिखती है एंड उसकी आंखों से ब्लड निकलता है एंड बाद में वो आपको पूरा दबोच लेती है, जो भी होता है मुझे कुछ पता नहीं है अभी, सच बताऊं तो डर तो बहुत लग रहा है, बट ये चैलेंज मुझे दिया है तो मैं ये चैलेंज कंप्लीट करूंगी आप लोगों के लिए। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार करते रहिए, बस हो गया। सो चलते हैं गेम को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये चैलेंज जो है वो माना जाता है कि ये चैलेंज 3 बजे करना चाहिए। सो आप टाइम देख सकते हो इस समय कितना हो रहा है, अभी 3:10 बचे हुए हैं। सो अभी मैं प्रिपरेशन करूँगी, सो 10 मिनट ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो एक्यूरेट 3 बजे मैं ये चैलेंज करूँगी। सो चलते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, कैंडल्स ले लेते हैं, फिर डायरेक्ट आपको मिरर के सामने मिलते हैं। मैं कैंडल्स लेके एंड मैं मिरर के सामने आ चुकी हूँ एंड सबसे पहले मैं 3 टाइम्स ब्लडी मैरी बोलने वाली हूँ। सो ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो गाइस अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हो सब कुछ नॉर्मल है। सो मुझे लगता है मुझे सेकेंड स्टेज पे जाना पड़ेगा, मैं अपने आसपास देख लूं कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। सो 30 टाइम्स ब्लडी मैरी बोलने वाली हूँ, ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। 13 बार ब्लडी मैरी बोल दिया है एंड अभी तक मेरे कमरे में भी कोई एक्टिविटीज नहीं हुई है एंड कांच में भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, जैसा कि लोग कहते हैं यहाँ पे वैसा भी कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है इसलिए मैं अपने आस पास देखे जा रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पे। सो चलते हैं लास्ट स्टेज पे। सो लास्ट मैं बोलने वाली हूँ क्योंकि सेकेंड बार में कुछ भी नहीं हुआ था फर्स्ट बार में, तो लास्ट स्टेज मुझे करना ही पड़ेगा। सो आई एम रेडी। ब्लडी मैरी, आई स्टोल्ड योर बेबी, देख सकते हो सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है एंड कांच में भी आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, कांच में सिर्फ मेरा खूबसूरत सा चेहरा है जो कि हो सकता है डरावना लग रहा होगा इस समय। सो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ होता है, तो रियलिटी फैक्ट तो यही है कि मुझे नहीं लगता इससे कुछ होता है, फिर भी मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रहती हूँ। सो आप देख सकते हो सब नॉर्मल है। सो चलती हूँ मैं लाइट्स ऑन करके, फिर आपसे मिलती हूँ, सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ। सो गाइज आपने बेसिकली देखा होगा कि मैंने अभी ये चैलेंज कंप्लीट किया एंड मुझे डर तो लग रहा था, मैं सच बताऊँ डर तो सबको लगता है एंड पिछली बार भी जो मैंने वीडियोस किए थे उसमें भी मुझे डर लगा था बट उसमें भी कुछ हुआ नहीं था। सो अगर आपको पिछला वाला मेरा वीडियो देखना है तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन दे दूंगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो।
इसका रियलिटी टेस्ट ये है मेरे हिसाब से। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ हुआ हो, बट हो सकता है मैं लकी हूँ इस चीज में, मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एंड गॉड से हमेशा आप लोग प्रे करो कि मेरे साथ कुछ हो भी ना। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें एंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके पास कोई चैलेंज है तो फटाफट से कमेंट डाउन करो, मैं आपके चैलेंज पे वीडियो बनाऊंगी एंड आपको मेंशन करूंगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंड इस वीडियो का रियलिटी टेस्ट मेरी तरफ से तो यही हुआ कि ये चैलेंज जो है वो फेल है, ठीक है। पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये होता है, मुझे नहीं पता कि लोग क्यों कहते हैं कि ऐसा होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी एंड मुझे ये चैलेंज भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यही वाला चैलेंज करके देखो, इसलिए मैंने ये चैलेंज किया कि लोग बोल रहे थे कि ये 100% तो मतलब सही है, ट्रू है। एंड वेबसाइट वगैरह पे भी जो दिखाया गया है, दिया गया है, उसमें भी ये लिखा है, आप जाके देख के सर्च कर सकते हो। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग के प्यार के कारण एंड सपोर्ट के कारण एंड गॉड के कारण मुझे ब्लैक मैरी नहीं दिखी, इसलिए मैं गॉड की बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ एंड आप लोगों की भी। इस वीडियो को ढेर सारा सपोर्ट करें, प्यार करें एंड बहुत सारी मैं वीडियोस एंड चैलेंज आपके लिए फ्यूचर में लाती रहूंगी। एंड आप बस, आपसे एक ही चीज चाहिए कि आप मुझे हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। बाय बाय।